देखो चेन्नई वालों, बहुत बहुत मुबारक हो, 5 पूरे हो गए हैं। जी हाँ, अगले साल एक और जीत लोगे तो 6 का सेट पूरा हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ रौनक, रणतंत्र में आपका स्वागत है। देखो, अगर आप चेन्नई के फैन हो और इस साल आपने स्टेडियम में जाकर जडेजा के आउट होने की दुआ मांगी थी ताकि आपको धोनी खेलते हुए दिख सकें, तो अभी के अभी जडेजा के इंस्टाग्राम पर जाकर उनको सॉरी बोलो। उनको बोलना आरजे भाई, दूसरे आरजे भाई ने बोला आपको सॉरी बोलने के लिए। क्योंकि देखो, जडेजा भाई एक लाइन इन पर बड़ी सूट करती है कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहें। जडेजा भाई, आपको बताओ क्या चाहिए? अगर आपको पार्लियामेंट का उद्घाटन दोबारा करना है, मैं फीता लगवाता हूं। अगर आपको चेन्नई के फैन से शिकायत है, तो ऐसे फैंस की मैं एक लिस्ट बनाता हूं जो आपको ट्रोल कर रहे थे, और आपको उनकी गुद्दी तो मैं खुद पकड़वाऊंगा। और अगर आपको स्पेन से कुछ चाहिए तो बताना, आपका भाई खुद वहां जा रहा है, आपके लिए पूरा बार्सिलोना खरीद के ले आऊंगा। आप हुक्म तो करो जडेजा भैया, स्पेन क्या चीज है? आपने रात भर के पेन से बचा लिया हमको। रात को 1:30 बजे मैच खत्म हुआ है, इस वजह से कल कीवी पे क्विज नहीं खेल पाए। एक ऐसा ऐप जहां पर नॉलेज और पैसा आपको दोनों मिलता है। फ्री में क्विज खेलो, 10 सेकंड में 10,000 रुपए जीतो और आप पूरा परिवार खेल सकते हैं क्योंकि फ्री में है। तो सबके फोन में इसे आपको डाउनलोड कराओ। आज रात को 10 बजे हम लोग 10 सेकंड में 10,000 रुपए जीतेंगे और फ्री का क्विज खेलेंगे। और ये फाइनल के बाद कीवी ऐप पर क्विज काफी टाइम से मिस हो रहा है, तो 2 दिन लगातार हुए हम लोग क्विज खेल नहीं पाए, तो आज रात को हम लोग 10 बजे जरूर खेलेंगे। उससे पहले इस ऐप को डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। लेकिन उससे पहले कल हुए मुकाबले के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। फाइनल में सिक्का धोनी के फेवर में गिरा और बिना देरी लगाए धोनी भैया ने कह दिया कि पहले बॉलिंग करेंगे। इस फैसले से हुआ ये कि हमें गिल पहले देखने को मिल गए, हालांकि गिल दूसरे ओवर में निकल लिए होते। धोनी भाई ने मास्टर क्लास दिखाते हुए एकदम बढ़िया फील्ड सेटिंग लगाई थी, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग पर दीपक चहर ने एक आसान सी कैच टपका दी। इसके बाद गिल ने अपनी पारी की शुरुआत वहीं से करी जहां से उन्होंने मुंबई के खिलाफ खत्म किया था। एक ओवर में लगातार 3 चौके लगे। पावर प्ले में गुजरात ने बिना विकेट को 62 बनाया और शुभमन गिल खुद एक बार 20 गेंदों में 39 रन बनाकर एक और सेंचुरी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे थे। अगर गिल चल जाते तो चेन्नई कहीं की नहीं रहती, ये बात धोनी को भी पता थी, और इसीलिए उन्होंने एक लाइटिंग क्विक स्टंपिंग के साथ गिल वाले खतरे को चेन्नई के लिए खत्म कर दिया। लेकिन वो खतरा टला तो इस बात पर ध्यान गया कि रिद्धिमान साहा तो अभी है और उनके पास इस T20 लीग के फाइनल में एक सेंचुरी भी है। साहा इस बार हाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन उनकी भी कहानी धोनी ने ही कैच लेकर खत्म करी। लेकिन एक ऐसे टाइम पर जब इस गेम में चेन्नई वापसी करती दिखाई दे रही थी, तब तमिलनाडु के ही एक लड़के साई सुदर्शन ने सोचा कि बड़े स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस मायने रखती है, और इससे बड़ी स्टेज और क्या हो सकती है। पिछले मैच में साई भैया ने इसीलिए रिटायर्ड आउट कर दिया गया था क्योंकि उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी, लेकिन कल के मैच में सुदर्शन ने जो प्रदर्शन किया है उसमें मार गेंद को पड़ी है और दर्द चेन्नई वालों को हुआ है। तमिलनाडु प्रीमियर लीग से चमकने वाले साई भैया ने तमिलनाडु के खिलाफ 47 गेंदों में 96 रन बनाकर यह दिखा दिया कि अपनी ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। सुदर्शन का बल्ला सुदर्शन चक्र की तरह चला और चेन्नई के फैंस के अरमानों को चीरता हुआ गुजरात को पहली इनिंग में 214 रन के भारी भरकम टोटल तक ले गया। अब पहाड़ जैसा टारगेट था और जब चेन्नई वालों ने खेलना शुरू किया तो बारिश आ गई, और जब पहाड़ों पर बारिश आती है तो होती है लैंडस्लाइड, और क्योंकि बारिश इतनी तेज थी तो यह लैंडस्लाइड चेन्नई वालों के इमोशन की थी, क्योंकि उनको यह पता था कि अगर अब यहां पर मैच नहीं हो पाया तो ट्रॉफी गुजरात को दे दी जाएगी। बारिश रुकी तो मैदान में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से मैच देरी में शुरू हुआ। मोदी जी से हाथ जोड़कर अपील है कि उन्होंने पार्लियामेंट तो बनवा दिया, अब अपने नाम का जो स्टेडियम है ना उस पर भी थोड़ा ध्यान लगाएं। अच्छा नहीं लगता कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम में मैच इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि बारिश के बाद वहां पानी ही नहीं निकल पा रहा है। क्या ग्राउंड स्टाफ की मेहनत की बदौलत मंडे को शुरू हुए मैच की दूसरी इनिंग ट्यूजडे रात 12:10 पे शुरू हुई, और उस टाइम पे मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी फ्लाइट भी डिले हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था पायलट अंकल भी बैठ के मैच देख रहे थे, और जो फ्लाइट 1:10 पे निकलने थी वो 2 बजे का शेड्यूल हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं, अपना पर्सनल की बता रहा हूं मैं आपको। डकवर्थ लुईस के हिसाब से मैच 15 ओवर का कर दिया गया और 15 ओवर में चेन्नई का रिक्वायर्ड टारगेट था 171, यानी सीधे सीधे चेन्नई के लिए एक ही रूल था कि गेंद देखो और गेंद पेलो, और उन्होंने वही किया। ऋतुराज गायकवाड और कॉनवे की जोड़ी आते ही काम पर लग गई और 4 ओवर में पावर प्ले में 52 बनाए। 74 की इनकी पार्टनरशिप ने एक तरह से चेन्नई को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया, लेकिन फिर नूर अहमद ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर चेन्नई वालों को बेनूर कर दिया। इनफैक्ट एक ऐसे मैच में जहां पर दोनों टीमों से 11 गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी, उसमें सक्सेसफुल सिर्फ नूर अहमद थे जिन्होंने 6 से भी कम का इकॉनमी रेट दिया। लेकिन इस बीच अजिंक्य रहाणे ने भी एक छोटी मगर जबरदस्त पारी खेली और फिर अपनी आखिरी T20 इनिंग खेल रहे अंबाती रायडू ने 3 गेंदों में 16 बनाकर ऑलमोस्ट चेन्नई को जिता दिया था। लेकिन इस टूर्नामेंट में वापसी कर रहे मोहित शर्मा ने दिखा दिया कि उनका कमबैक कोई तुक्का नहीं है। 2 गेंदों में पहले अंबाती रायडू गए, फिर अगली ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मोहित शर्मा के इस ओवर ने आपको पता नहीं कितने करोड़ लोगों के दिल तोड़ दिए। लेकिन मामला यहीं तक रुका नहीं, आखिरी ओवर में जब 13 रन चाहिए थे तो पहली 4 गेंदों में यॉर्कर और लो फुल टॉस डालकर मोहित शर्मा ने स्टेडियम को शांत कर दिया था। लेकिन फिर एंट्री हुई सर रविंद्र जडेजा की। आखिरी 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। वैसे तो हमने इस टूर्नामेंट में 5 गेंदों में 30 रन भी बनते देखा है, लेकिन देखो फाइनल का प्रेशर तो होता अलग है, और
और यहाँ पर जो जीता वही सिकंदर वाला हिसाब होता है और जडेजा भाई सिकंदर है। ये बात डायरी में नोट करके लिख लो, ऑफिस में अपने बॉस को बता दो, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी मैसेज करके बोल दो, लेकिन ये बात दुनिया को पता होनी चाहिए कि वही सिकंदर है। चेन्नई ने 5वीं बार ट्रॉफी जीती, मुंबई की बराबरी कर ली और इस बारे में और भी बात करेंगे आगे आने वाले दिनों के वीडियो में। लेकिन आज रात को 10 बजे कीवी ऐप पर इसी मैच से जुड़ा हम लोग लाइव क्विज खेलेंगे और आपको 10 सेकंड में 10,000 रुपए जीतने का मौका मिलेगा। इसलिए अगर अब तक कीवी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ऐप को डाउनलोड करो। ये फाइनल वाला हमारा कितना टाइम से मिस हो रहा है, देखो कीवी पे क्विज तो आज होके रहेगा, रात को 10 बजे आप आना और पूरे परिवार के साथ फ्री में क्विज खेल कर जाना और 10 सेकंड में 10,000 रुपए जीतने का आपके पास मौका। तो कीवी ऐप जल्दी से डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। माही भाई के लिए कुछ बढ़िया सा लिखना, सर जडेजा के लिए बढ़िया से लिखना, चेन्नई के लिए कुछ कमेंट सेक्शन में बढ़िया से लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।